किधर से बता रही है? पंद्रह ज्यादा बोल रहे हैं, कम से कम दस होगा, दस होगा। हमने गाड़ी बिल्कुल बंद कर दी थी और फिर ऐसे आ रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिक बाइक पे आ रहे हैं। वहाँ पे भी वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे और सुबह उसे एक्सप्लोर करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह से आज जुमे का दिन है तो हम सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमने कल सारा दिन सफ़र किया था। तो आज हमने लोकेशंस एक्सप्लोर करनी थी। इससे पहले वाले व्लॉग में हमने गंगा चोटी का एक्सप्लोर किया है, तो अब हम वहाँ से निकल चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं लीपा वैली की तरफ। तो जुमे का दिन था, हम सुबह जल्दी उठे, नमाज वगैरह पढ़ी और फिर हमने दुरूद पाक भी पढ़ा और जुमे का को मस्जिद वगैरह देख रहे हैं। मस्जिद वगैरह मिलती है वहाँ पे, नमाज वगैरह पढ़ते हैं और रेस्ट भी करते हैं और बाइकों को भी रेस्ट मिल जाएगी। और रास्ते में हमें एक छोटा सा नेचुरल स्विमिंग पूल मिला, तो हम ट्राई कर रहे हैं, अगर नीचे जाते हैं नहाते हैं थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, वरना यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादातर तो तरला प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले हमें अखरोट मिले, वो हमने एक दो उतारे, बाकी हाथ नहीं पहुँच रहे। और जो वट्टा वगैरह वो हम मार नहीं सकते क्योंकि ना गारे हैं थोड़े बहुत उस तरह के, मीन गैर इलाका, तो रिस्क नहीं ले रहे। तो एक भाई हमारा इधर नाशपाती के लिए गया है और दो हमारे भाई उधर गए हैं नाशपाती के लिए। वो देखो उसने मेन रोड पर कितनी वो देखो, ये इसने ब्लॉक के ऊपर वो तोड़ तोड़ के कैच करवा रहा है और मैं इधर ये बाइक और सामान के पास खड़ा हूँ। बल्कि आया जाए आपको करीब से दिखाता हूँ। किधर से बता रही है? ओ वाकई टू मच ऊपर से खड़ा है से ओ फिर में के ओ टांग ने खींच के लाई ओ टू मच इसकी। ये देखें जी, ये नाशपति और यहाँ से ये भाई ने उतारी है, टू मच रिस्की। करोड़ ज़्यादा खा सुन जा मैंने दम खा दे बाद अगर जाना मेरे काम में। ओके जी, ये आपको हरा भरा दरख्त नज़र आ रहा होगा, ये जापानी पाल है लेकिन ये है अभी कच्चा, तो हमने ज़्यादा नहीं उतारे, हमें जो पक्का लगा हमने सिर्फ उसको हाथ डाला, लेकिन ये कच्चे हैं, खाने के काबिल नहीं है। बाइक का इंजन हमने बंद कर दिया है क्योंकि सल सल उतराई है, तो हमने कहा कि चलो ज़रा पुरसकून माहौल में पुरसकून होके जाते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे हटिया बाला और वहाँ से अगला स्टॉप कौन सा बताया? अली भाई लेफ्ट साइड है, फिर लीपा वैली की तरफ, लीपा वैली को रोड जा रहा है साइड से, तो वहाँ से निकलेंगे लीपा वैली के लिए। तो लीपा वैली अली भाई बता रहे हैं कि वहाँ पे तकरीबन 5-10 पॉइंट है या 5-8 पॉइंट है जो कि एक्सप्लोरिंग के लिए हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो बाकी एक मजीद रास्ते में आपको गाइड करते हैं और रास्ता आपको दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड भी इकट्ठा ही है सारा। ये हम इस वक्त हड्डिया वाला की अदूत में एंटर हो चुके हैं, हड्डिया वाला 0 किलोमीटर चिकोटी 19, लेकिन हमने यहाँ से रास्ता निकल रहा है, अभी हम खड़े हैं हटिया वाला। तो पैसे ख़त्म हो गए थे, पीछे बैंक नज़र आ रहा है, तो खैर से मेरा एटीएम नहीं चला, एक दूसरा एटीएम था उससे पैसे विड्रा किए हैं। तो अभी अली भाई एस कॉम की सिम चाहिए वो निकलवा रहे हैं और देन यहाँ से थोड़े से पैसे भी निकलवाने हैं। तो ये सारा हटिया वाला है आप देख सकते हैं। हाँ जी जम्फर भाई, कैसा रहा सफ़र? अभी तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है चले माशाल्लाह। हाँ हमने तकरीबन 10 किलोमीटर तो होगा गाड़ी बंद कर, 15 किलोमीटर होगा जो हमने गाड़ी बंद करके हम उतराई नीचे उतरे हैं, बल्कि फीलिंग ये अलग थी माशाल्लाह से। भाई कर दो दोबारा जी जी यहाँ पे वाली
ये वो पुल है, पीछे हमने पेट्रोल भी डलवा लिया बाइकों में। और यहाँ से चकोटी आप यही मेन रोड जाएंगे और लिपा दा वखन रिशियाँ ये इस पुल से आप क्रॉस करेंगे। ये ऊपर सारी लिपा वैली है और जितनी भी लोकेशंस हैं वो आगे लिखी हुई हैं कौन कौन सी मीन इस ट्रैक पे हमें मिलेंगी, ये सामने वाले ट्रैक पे। इधर हमें मिलेगा लमनिया 15 किलोमीटर, रिशियाँ 25 किलोमीटर, दाउखन 30 किलोमीटर और हमारा पॉइंट है लिपा जो कि 55 किलोमीटर है। ये सामने पुल है, पुल क्रॉस करके हमने उस रोड पे जाना है, वो सारा जिग जैग होता हुआ वो ऊपर से ऐसे ऐसे वो लास्ट तक जाएंगे। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक के ख़ास फजल करम से हम हटिया बाला से ऊपर की तरफ लिपा वैली की तरफ हम जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सफ़र थोड़ा टफ है, मेन रास्ता थोड़ा टफ है लेकिन कोई नहीं इंशाल्लाह करेंगे। रास्ते में तकरीबन 2 पॉइंट हैं, पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा दाउखा टॉप है वो एक्सप्लोर करेंगे, देन लिपा वैली एक्सप्लोर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये दोनों पॉइंट आपको दिखाएंगे। तो ये आप रास्ता देख सकते हैं कैसे जिग जैग बने हुए, ये पहले नीचे से जा रहा है फिर वो ऊपर से आ रहा है तो और ये इस तरफ से हम हैं। तो ये मुसलसल अभी चढ़ाई है तकरीबन आधा पौने घंटे की। पीछे दाउखान था तो वहाँ पे तकरीबन ना वो सारा आर्मी एरिया चेक पोस्ट है, क्योंकि ये सामने जो पहाड़ है ना सारा बॉर्डर एरिया है, वो सामने इंडिया है और इन पहाड़ों पे तकरीबन हम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये थाना पुलिस लिपा वैली आ चुका है तो इंशाल्लाह फुली कोशिश करेंगे घंटा सवा घंटा में हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे आगे लिपा वैली। तो वहाँ पर भी वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे और सुबह उसे एक्सप्लोर करेंगे। और ठंड कैप निकाली है, शर्ट निकाली है और अभी भाई अपर भी निकालूंगा तो क्योंकि अभी ठंड है, ठंड कोई कंप्रोमाइज नहीं। पीछे एक चेक पोस्ट आई थी आर्मी की थी, इससे पहले तकरीबन 3-4 थी, तो एक तो पीछे आर्मी और पुलिस की कंबाइन थी तो वो थी रिशियाँ वो भी हमने आपको दिखाई। तो उसके बाद 3-4 रही हैं लेकिन चेक पोस्ट नहीं दिखा सकते क्योंकि ममनू होता है।